गुलबर्गा शहर में एमएस किमिल के सोशल वर्कर शेख जिलान कांता की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर शेख जिलान कांता के अलावा अबू बकर सिद्दीकी, मोइनुद्दीन, बाबा भाई, मोइज भाई, अब्दुल जब्बार, वाजिद हचकेजीएन, मोहसिन खान, अब्दुल रहमान और जिलानाबाद के नौजवान दोस्त अहबाब मौजूद थे। शेख जिलान कांता ने मीडिया से बात कर 2023 असेंबली इलेक्शन में गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिरादर ने इस्लाम को रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। मैं आज इफ्तार पार्टी के इस मौके पर जो तमाम रोज़ा खुले यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी कुछ एमएलए इलेक्शन के ताल्लुक से कुछ ठहरने का भी मेरा प्रोग्राम है। 17 तारीख के दिन नॉमिनेशन भर रहा हूँ मैं साउथ से, आज़ाद उम्मीदवार से। तो इंशाल्लाह पूरे लोगों से गुजारिश है कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस जो कठपुतली अपना खेल खेल रही है और एरियों में भी कुछ काम नहीं हो रहा है, बहुत हालत ख़राब है एरियों की भी, तो ये देखकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस बार मैं नॉमिनेशन डाल रहा हूँ सोच से। जी कितनी साल से करा रहे हैं आपने? तकरीबन 5-6 साल से करा रहा हूँ मैं, और दूसरे एक्टिविटीज़ भी है मेरे, क्रिकेट वगैरह, TSPL सीज़न 7 भी हमारा हो गया और दूसरे स्पोर्ट्स वगैरह गुलबर्गे के लिए बहुत से खिदमत अंजाम दिए, जैसा कि कोरोना में वगैरह बहुत से चीज़ें, क्योंकि मीडिया में लाना नहीं चाह रहा, मैं करके बताना नहीं चाह रहा। इंशाल्लाह मैं जब फील्ड पे उतरूँगा जब बताऊँगा इंशाल्लाह। यही ये जो रोड है, नाली है, पानी का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि L&T पूरा फेल हो गई सो है, पानी बहुत परेशानी है आज, कोई कारपेंटर भी कुछ नहीं कर रहा है, बहुत हालत ख़राब हो गई। कांग्रेस के कारपेंटर तो फेल है, बदमाशी से तो मेयर बने, कांग्रेस वाले ही बदमाशी है, वो दूसरों की बदमाशी नहीं, कांग्रेस वालों की बदमाशी है जो मेयर बने।